Clap. Hello and assalamu alaikum. You're tuned in to Ghost Republic ARY Music. YOLOU only live once. And aaj ka jo din hai wo itna exciting hai sare Karachi Heights ke liye kyunki aaj ka jo mausam hai wo intaha se zyada interesting hai. Aaj ka mausam jo hai main kahungi itna pleasant aur itna acha hai ki agar main news channels bhi dekhti hu to Quetta ki jo hai thandi hawayein jo hai bata rahe hain ki kitni khoobsurat hain aur Quetta wale keh rahe hain ki hame to Mari jaane ki zarurat nahi hai aur Mari mein to mausam to waise itna acha ho jata hai lekin mujhe itni khushi ho rahi thi ki kal bhi jab main uthi aur jab main shoot pe ja rahi thi aur jab main aaj bhi uthi and I was coming to the channel to itna acha mausam itna pleasant weather itne acche clouds and you know cloudy sa weather ho raha hai तो ये जो मौसम है कराची वालों को बड़ा मुश्किल से नसीब होता है और मैं ये कहूँगी कि enjoy it to the fullest and मौसम एक ऐसी चीज़ है अल्लाह ताला आपको जब ये इतना प्यारा मौसम जो है यू नो आता है और सारी चीज़ें होती हैं तो मैं कहती हूँ कि यार मौसम का इंसान के मूड पे भी यू नो बड़ा उसका कंट्रोल होता है अगर बड़ी धूप है सारी चीज़ें हैं तो इंसान बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है यू नो इंसान जो है वो गुस्सा भी कर रहा होता है और उसको गुस्सा भी आ रहा होता है और चिड़चिड़ा भी हो जाता है पसीने भी आ रहे हैं काम भी करना है ये भी करना है वो भी करना है गर्मी भी लग रही है लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो एकदम से लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं और अच्छा जी बीमार में भी अब ज़रा सा इंसान चिड़चिड़ा जाता है लेकिन सर्दियों में आई थिंक इंसान थोड़ा कम थकता है इंसान को प्यास भी कम लग रही होती है लेकिन हमें पानी का इंटेक अच्छा रखना चाहिए है जो कि आज मैंने बिल्कुल भी अच्छा पानी का इंटेक नहीं रखा लेकिन बस मैं शो के बाद बहुत सारा पानी पीऊँगी ब्रेक भी थोड़ा बहुत पानी पी लूँगी लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेदर से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप लोग वेदर को किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं किस तरह से जो है वेदर को इंजॉय कर खड़े हुए हैं सेल्फी ले रहे हैं छत पे जाके या जो है एयरपीस लगा के गाने सुन रहे हैं हो सकता है कोई लॉन्ग ड्राइव पे चला गया हो सकता है कि कोई बीच पे जो है थोड़ी वक्त के लिए चला गया हो यू नो आई एम श्योर कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से आज जो है वो इस मौसम को इंजॉय कर रहा होगा मेरा तो बड़ा वो था कि यार यू नो शो करने नहीं जाती इंजॉय करने चली जाती हूँ दोस्तों के साथ लेकिन नहीं आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटी मेरी ड्यूटी है मेरा काम है जो मेरी जॉब है जो कि मुझे आके करनी है और मैं सोच रही थी कि यार खैर है और मैं अपने व्यूवर्स के साथ आके जो है हम इस खुशी को इस हैप्पीनेस को जो है वो डबल करेंगे कि कराची का मौसम आज बहुत ज़्यादा अच्छा मैं क्यों बाबा एम्फेसाइज कर रही हूँ कि बिकॉज दिस इज़ अ ब्लेसिंग एंड मेक श्योर दैट यू नो यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस ब्लेसिंग सो यस आज का हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक ये है कि स्कूल में कॉलेजेस में इवन इन यूनिवर्सिटीज रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं कि जी यू नो आपको ये क्लासेस अपनी अटेंड करनी ही करनी है आप जो है वो बंक नहीं कर सकते अपनी क्लासेस आप जो है यू नो यू कांट मिसबिहेव और यू कांट बुली किड्स यू नो लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस यू कांट वेयर दिस और यू कांट डू दिस यू कांट डू दैट बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कभी आपने अपनी ज़िंदगी का पहला जो रूल रेगुलेशन जो तोड़ा था वो क्या था अपने स्कूल का अपने कॉलेज का वैसे मेजोरिटी लड़कियां जो गर्ल्स जो पहले देखती हैं वो छोटी हैं तो अगर आप लोग ड्राइव करते हैं तो आप लोग ड्राइव करते हैं तो उसका भी बता सकते हैं कभी आपने ट्रैफिक सिग्नल जो ब्रेक किया हो तो उसका मुझे ज़रूर बता सकते हैं वैसे एक दफ़ा मैंने और मेरे भाई ने हम दोनों ने मिल के जो है ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया था और हम जो है जिस तरह उससे निकले थे वो सिर्फ मैं और मेरा भाई जानते हैं और मुझे और मेरे भाई को आज भी यार हम हंसते हैं बैठे कि यार हमने कैसे ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया था हम कैसे भागे थे उधर से हो जा रहा है कभी और हमने तो लेकिन अफसोस भी होता है और दूसरी चीज़ है कि हमने बड़ी गलती से कर दिया था हमें पता नहीं था एकदम से जो है वो रेड सिग्नल आ गया हम बड़ी स्पीड में जा रहे थे तो बड़ा एक एक्सीडेंटल चीज़ हो गई थी हमने इंटेंशनली बिल्कुल भी नहीं की थी लेकिन जो है फिर बारे में और नो मेरा भाई हम सोच रहे थे कि यार यू नो गलत कर दिया नहीं करना चाहिए था लेकिन क्योंकि गलती से हुआ था तो लेकिन यू नो वी मेड श्योर कि अब हम ऐसे ना करें क्योंकि हम जहाँ जा रहे थे हमें वहाँ पर जल्दी पहुँचना था कि जो हम तेज़ जो है जा रहे थे तो मेरे अब्बू हमेशा कहते हैं कि गाड़ी कभी तेज़ ना चलाओ घर से 2-3 घंटे पहले निकल जाओ लेकिन गाड़ी तेज़ ना चलाओ तो ये हमारे अब्बू का एक रूल और हमारा रूल जो है ज़रा डिफरेंट है हम कहते हैं कि क्या है भाई 2-3 घंटे पहले निकलें इतनी जल्दी तैयार हो जाए तो हम कहते हैं नहीं बस यू ना आधा एक घंटा पहले निकलेंगे कि जल्दी जाए और जल्दी वापस आए और ये मेरी अम्मी का एक ना स्टेटमेंट होता है जब हम शादी में जाते थे भाई जल्दी जल्दी तैयार हो ताकि जल्दी जाए फिर जल्दी आए और जो है ये होता है लेकिन आप मुझे बताइए कि कभी आपने जो है अपनी ज़िंदगी में कोई रूल रेगुलेशन ब्रेक किया हो कभी कोई लॉ जो है कभी कोई ब्रेक किया हो जबकि हमें लॉ ब्रेक नहीं करने चाहिए
آئی ہیں, لیکن کوئی رول اینڈ ریگولیشن جو آپ نے اسکول یا کالج میں بریک کیے ہو, جس کو لے کے آج بھی آپ کو شرمندگی ہو, اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں, فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں facebook.com/vijaynal پہ جا کے. بہت اعلیٰ موسم ہے, انجوائے کیجئے, پکوڑے کھائیے, سموسے بنائیے, چار بجنے چار تو ہیں وہ بچ چکے ہیں, تو اب جو ہے چائے کافی بنا سکتے ہیں, ناٹ بیڈ, چائے کافی موسم انجوائے کر سکتے ہیں نا, بالکل کر سکتے ہیں, اور موسم بھی ابھی ایسا اور چار بھی بچ چکے ہیں. رائٹ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ورس سون بریک, کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے گرلز ریپبلک ARY میوزک. Welcome back. You're watching Girls Republic ARY Music. YOLO, you only live once. And yes, you only live once. Do enjoy the weather of Karachi. میں بار بار کیوں کہہ رہی ہوں, کراچی کا موسم بہت اچھا ہے, روز ایسا موسم نہیں آتا. کوشش کیجئے کہ جو ہمیں عادت ہوتی ہے نا کہ ہم پردے شردے ڈال کے جو ہے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ایسا بالکل بھی نہ کریں, پردے شردے ہٹا دیں اور کھڑکیاں کھول دیں, انجوائے کیجئے ویدر کو. انفیکٹ جو میرے ڈائریکٹر ہیں مجھے بتا رہے تھے کہ کل رات جو ہے بہت ساری بارش ہو رہی تھی, اور کچھ کراچی کے ایریاز میں بہت ساری بارش ہو رہی تھی, اور میں نے جو ہے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جس جگہ پہ میں رہتی ہوں اس جگہ پہ بھی بارش ہو رہی تھی. میں بڑی جو ہے وہ میں اس میں آ گئی, کیا کہتے ہیں, میں حیرانی میں آ گئی کہ ہیں میری طرف بارش ہو رہی تھی, مجھے تو ایسی کہیں بارش نہیں دیکھی, اور میں جا کے بالکنی میں دیکھا بھی تھا میں نے, مجھے کہیں سے بارش نہیں دکھ رہی تھی, لیکن آئی تھنک شاید میں نیند میں ہوگی جو مجھے نہیں دیکھی, کیونکہ میری دوست جب میرے ساتھ فون پہ تھی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ یار بڑی تیز بارش ہو رہی ہے, اور جب میں گئی بالکنی میں تو مجھے نہیں دکھی بارش, لیکن آئی ایم شیور کہ ہوئی ہوگی بارش, لیکن مجھے بارش بہت زیادہ اچھی لگتی ہے. ان فیکٹ اتنی اچھی لگتی ہے کہ اگر میں سو رہی ہوتی ہوں رات کے 3 بجے ہوتے ہیں تو میرے ابو کو پتہ ہے کہ ہنا کو کتنی پسند ہے بارش. ان فیکٹ اب تو خیر میں تھک جاتی ہوں تو میرے ابو مجھے نہیں اٹھاتے, لیکن وین آئی واز ان اسکول اور ان کالج, اور میرے ابو کو پتہ لگتا تھا کہ آج بارش ہو رہی ہے, ہنا کو جو ہے فوراً وہ مجھے اٹھاتے تھے, کہتے تھے ہنا اٹھو 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 بارش ہو رہی ہے, رات کے 3 بجے 2 بجے 4 بجے میں اٹھ جاتی تھی بارش کو دیکھنے کے لیے, اتنی ڈیسپریٹ تھی بارش کو دیکھنے کے لیے. بٹ اینی ویز وی ہیو حرمت ود اس, السلام علیکم. کیا حال ہے آپ؟ ہیلو, آئی تھنک جو کال ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے, بٹ اینی ویز ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں. اینی لکھتی ہیں کل کا دن بہت مزہ آنے والا ہے, ہمارا فن ڈے ہے اسکول میں, فائنلی میں بہت خوش ہوں ہنا. کنگریچولیشنز اینی, بہت سارا انجوائے کرنا, اینڈ لائف از آل اباؤٹ انجوائنگ, سو بہت زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے زندگی میں, اور کوشش کرو کہ یو نو جو ہے انجوائے کرو زندگی کو ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ کام بھی کرو. مہانور یوسف دکھتی ہیں, ہیلو ہنا, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ, اینڈ جلدی سے ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو ہیلو, شام کو ہنا, آپ بھی کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام حرمت, کراچی کا موسم انجوائے ہو رہا ہے؟ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے, آج تو بہت مزہ آیا اسکول سے واپسی میں. یار اسکول میں جب ہو رہا ہوتا ہے اتنا زبردست موسم, مجھے سمجھ نہیں آتا ٹیچرز پڑھاتے کیوں ہیں اس دن, پتہ نہیں کیوں پڑھاتے. ویسے تو ہم لوگ کی سب جیسے اگر ہو رہا ہوتا ہے بارش وغیرہ ہوتی ہے تو ونڈوز وغیرہ بند کر دیتے. ویسے ایک بات بتاؤں یار, ٹیچرس کا قصور بھی نہیں ہے, ٹیچرس کا ہی بڑا دل کرتا ہوگا انجوائے کرنے کا, وہ بھی انسان ہی ہے ہماری طرح, کیونکہ وہ بھی کراچی کے ہی رہنے والے, ان کا بھی دل کرتا ہوگا یار نہیں پڑھائیں, وہ بھی بےچارے روز پڑھاتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ ان کی ڈیوٹی ہے ان کو کرنی ہے. ہیلو ہیلو, ہماری جو لائن کال ہے, لائن نہیں کال ہے, وہ پھر سے ڈراپ ہو چکی ہے. بٹ اینی ویز امو اوان لکھتے ہیں, ہیلو امو اوان لکھتی ہیں, ہیلو گورجیس, یو لک سو پریٹی ایز آلویز, تھینک یو سو مچ. علی حمزہ لکھتے ہیں, ہنا یو لکنگ ویری نائس اینڈ ویری گڈ شو. طاہر چودھری لکھتے ہیں, لکنگ ویری نائس. وقار علی لکھتے ہیں کہ آپ کا شو بہت زیادہ اچھا ہے. احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف ARY میوزک نہیں آ رہا. احمد رضا, آپ کو اپنے کیبل آپریٹر کو کال کرنی ہے, اور کال کر کے کہنا ہے کہ آپ ان کو اگلے مہینے پیسے نہیں دیں گے اگر ARY میوزک نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ علی مغل لکھتے ہیں, ہیلو ہنا, کبھی بوائز ریپبلک بھی ہونا چاہیے. سجان بلوچ لکھتے ہیں, ہیلو السلام علیکم ٹو آل, ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو آر فائن اینڈ یور شو از ویری نائس. ہارون لکھتے ہیں, السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ. وعلیکم السلام, آگے پیچھے کر دیا میں نے جواب کو. اینڈ عرفان رضا لکھتے ہیں, ہنا یو آر ٹو پریٹی اینڈ یور شو از سپر. آئی تھنک وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپرب, تو سپرب کا بھی کہیں غائب ہو گیا. بٹ اینی ویز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی کا کبھی کوئی رول یا ریگولیشن بریک کیا ہو تو کون سا رول ریگولیشن ہوگا. اینڈ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری کال ڈراپ کیوں ہو رہی ہے, آئی گیس کہ شاید کچھ ٹیکنیکل ایشوز چل رہے ہوں گے, بٹ ہمیں کال کر سکتے ہیں, آپ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں facebook.com/vijayhina. الطاف جا کے طیبہ حفیظ کا میسج آیا, ہیلو ہنی ریممبر می, ہاؤ آر یو؟ کوئی مجھے ہنو کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی مجھے ہنی کہہ رہا ہوتا ہے, او گاڈ.
बट आई लाइक इट एज लॉन्ग एज इन वर्ड्स का जो मीनिंग हो सही हो तो येस आई लाइक इट एंड तैयब हफीज येस आई डू रिमेम्बर यू आप मेरे शो पे भी आई थी उमर अब्बासी लिख रहे हैं हेलो ना कराची का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है येस बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है इन्जॉय भी कर रहे हैं हम सब एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जुसरा निज़ामानी लिखती हैं हेलो एंड इसके अलावा जो है पर्शियन क्वीन ने लिखा है ना कहाँ हो यार आप तो रिप्लाई भी नहीं करती एंड इसके अलावा फेमिना अमन का मैसेज आया है एंड कृष्णा सिंह लिखते हैं कि ही इज़ अ फैन फ्रॉम इंडिया एंड वो कहते हैं कि वो शो को बहुत शौक से देखते हैं आमना अशवाग लिखती है ना प्लीज़ मेक मी योर फ्रेंड यू ऑल आर माई फ्रेंड तो कोई स्पेसिफिक जो है वो नहीं है कि अच्छा ये फ़ैन है वो मेरा दोस्त है ये फ़ैन है मेरे दोस्त आप सब मेरे दोस्त हैं अभी जा रहे हैं सॉन्ग ब्रेक की तरह कहीं मजाइए देखते रहिए गॉस रिपब्लिक ARY म्यूजिक Welcome back. You're watching Girls Republic ARY Music YOLO. You only live once, and yes, we are going ARY live right now. And आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कभी आपने अपनी जिंदगी का रूल रेगुलेशन जिंदगी का नहीं कभी आपने स्कूल या कॉलेज का रूल रेगुलेशन तोड़ा हो क्या होगा जिंदगी के भी रूल्स होते हैं बट आई डोंट थिंक टीनेजर्स पे जाके अपने आज से आप कोई रूल्स बनाते हैं बट एनीवेज आज का हमारा टॉपिक मेरा फोन गिरने वाला था बट एनीवेज आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो पढ़ लेते हैं अली भट्ट का मैसेज आया है प्लीज प्ले द सॉन्ग टू जरूरी अगर आपको भी पसंद आए तो नुमान खान लिखते हैं हेलो हिना हाउ आर यू हिना आपको पश्तो आती है मैं इसका जवाब देना पसंद नहीं करूंगी फिरोज खान लिखते हैं हेलो ब्यूटीफुल हिना हाउ आर यू आई एम गुड आई एम फाइन एंड इसके लिए एक और मैसेज आया हिना यू लुकिंग वेरी नाइस आपको अभी देखते हैं प्लीज बता दीजिए कि रिपीट टाइमिंग क्या है रिपीट टाइमिंग है लेट नाइट 2:30 AM एंड हुरमत की कॉल हमें फिर से एक दफा आ गई है लेट्स टेक अ कॉल हेलो हेलो शाम को मैं नापी वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं थोड़ा फ्लू हो रहा है मुझे कोई बात नहीं हाँ हुरमत हम बात कर रहे थे कि टीचर्स क्यों पढ़ाते हैं इतने अच्छे मौसम में टीचर्स पढ़ाते हैं उनका वैसे दिल भी नहीं चाहता है पर वो हम लोगों की विंडोज बंद कर देते ताकि हम लोग का वहाँ पे ज्यादा माइंड डाइवर्ट हो जाता है हाँ. तो विंडोज और डोर्स बंद कर देते कोई नहीं देखेगा बाहर की तरफ डांटने लग जाते यार ये जरा ओवर हो जाता है ना ऐसे भी नहीं करना चाहिए टीचर्स हाँ पर हम तो ऐसे है कि बाहर बच्चों को जैसे कोई लाइन जारी होती है तो खट मतलब कि नॉक नॉक कर देते विंडो को वो लोग विंडो बाहर से खोल देते मैं कहती जब मौसम अच्छा हुआ कर रहे हैं तो ब्रेक थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए पर हमेशा ये थोड़ी ना कि ब्रेक में ही मौसम अच्छा हो हाँ लेकिन क्या पता ब्रेक तो धूप आ जाए और फिर अब यार अगर सुबह सुबह स्कूल जाते हैं और जब ब्रेक लिए बाहर निकलते हो ब्रेक के वक्त धूप आ जाती है तो बड़ा गुस्सा आने लग जाता है धूप आ जाती है और अक्सर जैसे कि आज पीटी वगैरह होती है तो अगर बारिश हो रही होती है तो मना कर देते हैं कि कोई पीटी नहीं करेगा उस वक्त हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और जब बारिश होती है आई थिंक ब्रेक फिर बाहर भी नहीं करने देते नहीं करने देते अंदर ही अंदर अच्छा और मुझे जल्दी से बताओ कि अपने स्कूल का कौन सा रूल है जो तोड़ा है मैंने कोई भी नहीं तोड़ा वैसे तो कोई भी नहीं तोड़ा पक्की बात है हाँ पक्की बात है पक्की बात है सोच लो मैंने अपने दोस्तों के रूल तोड़े किसके दोस्तों के तोड़े क्या यहाँ में हम लोग की जब दोस्ती होती है तो हम बोलते हैं एक दूसरे का साथ देंगे एक दूसरे की शिकायत नहीं करेंगे पर मैं कर देती हूँ यार ऐसे तो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर तो मुझे ये बताओ कि वैसे तुम्हें रूल्स स्कूल के तोड़ने में अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी नहीं लगता यार ऐसे अच्छी बात है तुम बड़ी जो है वो अच्छी स्टूडेंट हो एंड आई रियली रियली लाइक इट अच्छा मुझे बताओ टीचर से कितना डरती हो बिल्कुल भी नहीं चिल स्टूडेंट हो मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ टीचर्स को भी बोल देती हूँ यार ऐसे बताए टीचर्स की रिस्पेक्ट तो हमें बिल्कुल रखनी चाहिए टीचर्स हाँ सर रिस्पेक्ट करती हूँ बट हमारी कुछ टीचर्स हैं वो जो बिल्कुल अभी टीनेजर्स ही हैं लाइक 19-18 इस तरह की हैं आर्ट की जो टीचर्स हैं तो उनसे तो बिल्कुल मैं फ्रेंक हूँ वैसे जो बाकी बड़ी हैं उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लेती हूँ थोड़ी सी जो बाकी बड़ी हैं उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करती हूँ चलो ऑलराइट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग बाय दैट वाज हुरमत और हुरमत का कहना ये है कि जो थोड़ी सी बड़ी टीचर्स हैं उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करती हैं और उनकी ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो 19-20 टीनेज टीचर्स हैं उनकी तो बड़ी फ्रैंकनेस है हुरमत की उनके साथ यार वैसे आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आपको यंग टीचर्स मिल जाए और बड़ी अच्छी बात होती है कि आपको अच्छे टीचर्स मिल जाए क्योंकि अच्छा टीचर ज़िंदगी में होना ये तो बड़ी अच्छी बात होती है और
तो बड़ी जरूरी होती है. लेकिन हम जाएंगे एक सॉन्ग ब्रेक की तरफ. कहीं मत जाइए, देखते रहिए गर्ल्स रिपब्लिक ARY म्यूजिक. Welcome back, welcome back. You're watching Girls Republic ARY Music. We are going live right now. And आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने जिंदगी में कभी रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक किए हों स्कूल के, तो क्या होंगे. मैंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस स्कूल के ब्रेक किए हैं और वो आप यूजली करते हैं जब आप स्टूडेंट होते हैं. और जो है वो इस किस्म के रूल्स होते हैं कि जी कभी होमवर्क करके लेके नहीं जाते, और कभी कुछ करना होता है, कोई थीम होती है स्कूल में वो थीम उस तरह की नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. जैसे कि हमारे स्कूल में बड़ा जो है स्ट्रिक्ट एक रूल था कि आप स्कूल के बाहर जितने भी उन्हों जो मकई वाला होता है, समोसे वाला होता है, चना चाट लगा हुआ होता है, उन लोगों के साथ जाके चीज़ें नहीं खरीद सकते. बहुत स्ट्रिक्टली बात बोली गई थी. लेकिन हमारे बाहर टीचर्स खड़े होते थे, ड्यूटीज़ होती थी. लेकिन खैर हम जो है बड़ा छुप छुपा के जो है कोई कुल्फी खा रहा होता था, कोई मकई खाने चले जाया करता था. मकई तो मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके साथ उसके बाद नींबू और जो होता है वो नमक टाइप कुछ होता है, नमक काली मिर्च टाइप कुछ डली हुई होती है उसके ऊपर, वो बड़ी चटपटी होती है, उसके साथ खाने में मज़ा आता है. मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कौन सी मिर्च होती है, लेकिन वो कोई मिर्च होती है. अच्छा जी, उसके अलावा मुझे जो है मैसेजेस भी कर सकते हैं ट्विटर पर जाके, जो है फॉलो भी कर सकते हैं. आप लोग के जो मैसेजेस हैं वो जो है देख लेते हैं कि आपके मैसेजेस जो हैं वो क्या क्या आए हैं. एंड जो है मेरा जो मकसद था आज ये शो करने का, उसे ये करने का था कि मैं देखना चाहती थी कि हमारे ऐसे कितने सारे व्यूअर्स हैं जो स्कूल में जो है वो ब्रेक करते हैं रूल्स. वैसे हमारे स्कूल में रूल्स रेगुलेशंस को इतने ज़्यादा नहीं होते, बड़े कम होते हैं रूल्स, और बड़े बेसिक्स होते हैं जो हर स्कूल के होते हैं. अच्छा जी, आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो पढ़ लेते हैं. फरहान लिखते हैं, हेलो हिना हाउ आर यू, आई एम फाइन फरहान. सानी हसन लिखती हैं, आप कभी मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानती और शो वाइंड अप कर देती हैं, प्लीज़ फरहान सईद का सॉन्ग पी जाऊँ प्ले कर दीजिए. हमारी कोशिश होगी कि हम ये सॉन्ग प्ले करें. अफसर खान आफरीदी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, आई एम योर बिग फैन, प्लीज़ एक बार जोर से बूम बूम आफरीदी बोल दें. अच्छा, अली भट्ट लिखते हैं, मैंने बहुत रूल्स तोड़े हैं कॉलेज में, अटेंडेंस लगवा के क्लास में से गायब हो जाता था, दैट्स मैजिक ट्रिक, टीचर्स को पता भी नहीं चलता था. ये चीज़ मैंने खुद तो कभी नहीं की, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के लिए बहुत की है. मेरी बहुत सारी दोस्तें होती थी जो आती थी कॉलेज और कहती थी हिना हमें जाना है और हमारे जाके अटेंडेंस लगा दो, लेकिन ये चीज़ मैंने खुद कभी नहीं की. और आई एम वेरी प्राउड कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि किसी लड़की को आओ यार मेरी अटेंडेंस लगवा दो मुझे कहीं जाना है, मैं ऐसे नहीं करती. लेकिन मैं क्या करती थी कि मैं जाती थी, बहुत सारी लड़कियां होती थी वो शीट लगी होती थी, सबको अपना सिग्नेचर करने होते हैं, मैं जाती थी, मैं पहले अपने सिग्नेचर करती थी, फिर घूम फिर के वहाँ से घूम फिर के 5 मिनट बाद आती थी, फिर से जाके जो मेरी जो दोस्त की तरफ के जो साइन होते हैं वो मैं कर दिया करती थी. क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो अगर आप सिग्नेचर्स नहीं करते तो वो आपके फादर या मदर का नंबर होता है कॉलेज के पास, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के पास, और जो मैसेज होता था वो आपके पेरेंट्स को चला जाता था कि आपकी बेटी की अटेंडेंस नहीं लगी हुई, यानी कि वो प्रेजेंट नहीं थी आज. तो ये जो लड़कियां होती थी मुझे कहती थी हिना यार हमारी अटेंडेंस लगा दो, या अगर हमारी अटेंडेंस लगा दिया करती थी. तो मैंने उनको ये रूल्स ब्रेक करने में उनकी बड़ी हेल्प जो है वो की है. लेकिन यस, वी आर गोइंग टू वाइंड अप द शो, नो रखिएगा ना बहुत ज़्यादा ख्याल. This is me, Vijana, signing out. Take care and Allah Hafiz.